अर्तगल गाजी की वफात के बाद इनका बड़ा बेटा उस्मान गाजी इनका जानशीन बना, जो दौलत उस्मानिया का बानी और सल्तनत उस्मानिया का पहला ताजदार था। अर्तगल गाजी ने अपने जोरे कुवत और दौलत सलजुकिया के तफर्रुक व इंतशार के बावजूद कभी भी खुद मुख्तारी का दावा नहीं किया था, गो के सलजुकी उमारा ने सल्तनत की कमजोरी से फायदा उठाकर मुतअद्दद खुद सर हुकूमतें कायम कर ली थीं। लेकिन अर्तगल गाजी आखिरी दम तक सुल्ताने कोनिया के वफादार और जगीरदार ही रहे। उस्मान ने भी यही रवश इख्तियार की और अपनी फतोहात से सुल्तान की शानो शौकत को एक हद तक महफूज रखा। ये वो जमाना था जब दौलत सलजुकिया दम तोड़ रही थी और एशियाई कूचक में तवायफुल मलूकी फैल चुकी थी। इस बिना पर अपनी फतोहात का दायरा वसी करने के लिए इससे बेहतर मौका उस्मान गाजी को नहीं मिल सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी तवज्जा ज्यादातर बाजनतीनी इलाकों की तरफ मबजूल रखी। इसके मुख्तलिफ असबाब थे। पहली वजह यह थी कि खुद इसकी जागीर के करीब बाजनतीनी सरहद थी और बाजनतीनी सल्तनत की कमजोरियां रोज बरोज इन पर नुमाया होती जा रही थीं। ये इस कमजोरी और शहनशाह कुस्तुनतुनिया की एक सियासी गलती का नतीजा था कि कोहे ओलंपस के दर्रों की हिफाजत ना हो सकी और तुर्क बथिनिया के मैदानों में दाखिल हो गए। बाजनतीनी सल्तनत जो किसी जमाने में दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में शुमार होती थी, वो फिरका वाराना जंगों और इंतहाई बदनज़मियों में मुबतला होकर कमजोर हो चुकी थी, जिसके बाद इसमें किसी ताकतवर हरीफ के मुकाबले की कुव्वत बाकी नहीं रही थी। एशियाई कूचक में इसके साबका मकबूजात में सिर्फ चंद एक शहर ही इनके पास रह गए थे, जिनमें बरूसा, नाइसिया, नाइकोमीडिया और इसके नवाही इजला शामिल थे। इसके अलावा बहराए बास्फोरस और बहराए मरमरा के साहिली इलाके अभी तक कुस्तुनतुनिया की जेरे हकूमत थे। अनातोलिया के बाकी तमाम इलाके जो पहले बाजनतीनी सल्तनत में दाखिल हुआ करते थे, इसके हाथों से निकल चुके थे। उस्मान गाजी के लिए बाजनतीनी इलाकों की तरफ मुतवज्जा होने की दूसरी बड़ी वजह इस्लाम की तबलीग थी और तीसरी वजह यह थी कि उस्मान के लिए दूसरी जानब कदम बढ़ाने की गुंजाइश ही ना थी। सलजुकी उमारा जिन्होंने खुद सर हुकूमतें कायम कर ली थीं, ताकत में उस्मान गाजी से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े हुए थे। बाजनतीनी किलेदार दौलत सलजुकिया के सरहदी इलाकों पर वक्तन फवक्तन हमला आवर होते रहते थे। सुल्ताने कोनिया के एक नायब की हैसियत से उस्मान गाजी को इन हमला आवरों से मुकाबले के लिए आगे बढ़ना पड़ा और पहले ही साल किराजा हिसार का मार्का पेश आया। उस्मान गाजी ने इस किले को फतह करके बाजनतीनियों को आइंदा के लिए मुतनब्बे कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने उस्मान गाजी की इस फतह से खुश होकर किराजा हिसार और इसके आसपास के तमाम इलाके उस्मान गाजी को जागीर में दे दिए और इसके साथ बे के खिताब से सरफराज करके अपने नाम का सिक्का जारी करने और अपना नाम जुम्मे के खुतबे में शामिल करने की भी इजाजत दे दी। इस तरह बादशाही के लकब के अलावा तमाम इम्तियाजात उस्मान गाजी को हासिल हो गए। 1300 ईस्वी में तातारियों ने एशियाई कुचक पर हमला किया और इस जंग में सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए, लेकिन बाद रवायात में आया है कि तख्त हासिल करने के लिए उनको उनके बेटे गयासुद्दीन ने कत्ल किया था। बहरहाल मंगोलों ने गयासुद्दीन को भी कत्ल कर दिया और एशियाई कूचक में दौलत सलजुकिया का खात्मा हो गया। अब उस्मान गाजी बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार थे और आइंदा उन्होंने तमाम फतुहात एक खुद मुख्तार फरमारवा की हैसियत से हासिल की थीं। सलजुकी उमरा में उस्मान गाजी का सबसे बड़ा हरीफ अमीर करमानिया था। चनाचे एशियाई कूचक के तुर्कों की सरदारी और पूरे मुल्क की हुकूमत के लिए फरीकैन के दरमियान उस्मान गाजी ही की जिंदगी में एक तवील जंग का सिलसिला शुरू हो गया था, जो उस्मान गाजी की वफात के बाद इनके जानशीनों के अहद तक जारी रहा। खुद उस्मान गाजी ने भी अमीर करमानिया को कई बार नीचा दिखाया था, लेकिन बाजनतीनी सल्तनत के जरखेज मकबूजात ज्यादातर उस्मान गाजी की तवज्जा का मरकज रहे और इनकी जिंदगी के आखिरी 26 साल के कारनामों में बाजनतीनी शहरों और किलों की फतोहात नुमाया हैं। ताहम उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ फतोहात हासिल करना और गिर्दोपेश की रियासतों को अपना मोती बनाना नहीं था। 1291 ईस्वी से लेकर 1298 ईस्वी तक उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जा हकूमत के इंतजाम और इस्तेहकाम की जानब मबजूल की।
उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए और रियाया की फलाह बहबूद के इंतजाम में मसरूफ रहे। लेकिन दूसरे तुर्क सरदारों ने, जो उस्मान की बढ़ती हुई कुव्वत से खाइफ थे, इनकी खामोशी को इनकी कमजोरी समझा और बाज़ंतीनी किलेदारों से इत्तेहाद करके इनके मकबूजात पर हमला आवर हुए। लेकिन इन हमला आवरों को बहुत ही जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। उस्मान गाजी ने इन सब को शिकस्त दी और आसपास के छोटे छोटे सरदारों को अपना मोती बना लिया। 1301 ईस्वी में उस्मान का नायको मीडिया के करीब कयून हिसार के मकाम पर पहली बार शहनशाह कुस्तुनतुनिया की बाकायदा अफवाज से मुकाबला हुआ, जिसमें उस्मान गाजी को शानदार कामयाबी हासिल हुई और 6 साल के अंदर अंदर इनकी फतुहात का दायरा बहराए अस्वद के साहिल तक पहुंच गया। बाज़ंतीनी किले पे दर पे फतह होते चले गए और ब्रूसा, नाइसिया और नाइकोमीडिया के गिर्द फौजी चौकियों का एक मजबूत हिसार कायम हो गया। इस खतरे को दूर करने की गरज से बाज़ंतीनियों ने मंगोलों को उस्मानी मकबूजात पर हमला करने के लिए उमादा किया। उस्मान गाजी ने अपने बेटे ओरहान गाजी को हमला आवर फौज के मुकाबले के लिए भेजा। ओरहान गाजी ने आगे बढ़कर मंगोल फौजों को शिकस्त दी और बाज़ंतीनियों की उम्मीद की आखिरी कड़ी भी टूट गई। 1317 ईस्वी में उस्मान गाजी ने ब्रूसा का मुहासरा कर लिया, जो एशियाई कूचक में बाज़ंतीनी सल्तनत का एक नहायत ही अहम शहर था। मुहासरा तकरीबन 10 साल तक जारी रहा। आखिरकार बाज़ंतीनियों ने हथियार डाल दिए और शहर को खाली कर दिया और उस्मानी फौज ओरहान गाजी की सरकर्दगी में फातेहाना तौर पर शहर में दाखिल हो गई। उस्मान गाजी इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर थे। उस्मान गाजी ने ओरहान गाजी की हिम्मत और शुजात की दाद देकर इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया और बिला तफरीक तमाम रियाया के साथ यकसां अदलो इंसाफ और भलाई करने की वसीयत की और फिर यह हदायत की कि इन्हें ब्रूसा में दफन किया जाए और इस शहर को उस्मानी सल्तनत का पाया तख्त बनाया जाए। चनाचे वसीयत के मुताबिक इन्हें ब्रूसा में दफन किया गया और इनकी कब्र पर एक आलीशान मकबरा भी तामीर किया गया।